आप सभी को नमस्कार। आज हम सब के लिए बहुत ही गर्व और उत्सव का बात है। आज 30 अप्रैल 2023 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात का आज 100 एपिसोड आज ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से रिले किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात का शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 से उन्होंने शुरुआत किया और इन मन की बात के ज़रिए से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को जोड़ने का काम किया और देश भर में ऐसे बहुत सारा कार्य होता है जो हम देशवासियों को भी पता नहीं चलता है। तो मन की बात के ज़रिए से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन सब कार्यों को अपने रेडियो के माध्यम से देश के जनता का तरफ में पहुंचाने का काम किया और इससे काफ़ी मोटिवेट भी हुआ। तो मैं सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के पूरी जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। आज उनका 100 एपिसोड आज सेंचुरी एक तरह से हम लोग सेंचुरी बोलना पड़ेगा, 100 एपिसोड आज हम लोग विटनेस करेंगे और इन 100 एपिसोड में जैसे मैंने कहा कि पूरे देश को जोड़ने का काम किया, देश को मोटिवेट करने का उन्होंने काम किया और मन की बात में अरुणाचल प्रदेश का भी ऐसे कई सारा एग्जांपल्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने देशवासियों को रेडियो के माध्यम से उन्होंने पहुंचाने का काम किया। मैं एक दो अरुणाचल से जैसे मन की बात में जो माननीय पीएम साहब ने जो कवर किया उसका मैं उल्लेख उसको यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहेंगे। जैसे हम सब का ज़िंदगी में पढ़ाई जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है और आजकल डिजिटल का मामला, डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो धीरे धीरे जो बुक है रीडिंग का हैबिट जो है वो हमेशा छूटते जा रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश में हमारे दो जो पर्सनालिटीज़ है, एक है मिस नुरंग मीना और हमारे ईस्टर्न अरुणाचल में एक है श्री देहंग बोसाई। तो उन दोनों ने अरुणाचल में एक लाइब्रेरी मूवमेंट को शुरुआत किया था। वो जो सड़के में भी लाइब्रेरी बना के वो लोग किताब वहाँ रख के तो वहाँ पे जो भी जिसको भी मन होता था वो लोग जाके पढ़ाई किताब लेके वो लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसको एग्जांपल लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में लोगों तक पहुँचाया और इससे बहुत लोगों को मोटिवेट हुआ कि रीडिंग हैबिट हम लोगों को करना चाहिए। और दूसरा एक बहुत बड़ा एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश ने सेट किया जो पूरे देश में और पूरा दुनिया में भी इसका चर्चा है। जैसे अपना राज्य सरकार ने हम लोग ने शुरुआत किया है कि एयरगन सरेंडर अभियान। हम सब लोग जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश बहुत ही बड़ा एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक राज्य है। पूरा दुनिया में ही अरुणाचल का टॉप 10 रैंकिंग में आता है। तो यहाँ के प्रकृति और यहाँ के जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बोले, यहाँ के जो जितने भी जो हमारा बर्ड्स है, चिड़िया है, उसको बचाने का भी कार्य हम लोगों को करना चाहिए। तो राज्य सरकार ने हम लोग ने एयरगन सरेंडर अभियान हम लोग ने शुरुआत किया है जिसमें से अभी तक 2000 से भी अधिक एयरगन का सरेंडर भी हो चुका है। तो इसका भी उल्लेख, इसका भी जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में वहाँ पे उन्होंने रखा है। तो ये बहुत ही एक मोटिवेट हुआ है पूरे देशवासियों को और ख़ास करके ट्राइबल समाज में कि हम सबको हंटिंग नहीं करना चाहिए और हमारा जितने भी जो जानवर और पशु पक्षी है उसको हम लोगों को बचाना चाहिए। सो इस प्रकार से बहुत सारा और भी विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अरुणाचल से लेके अपने देशवासियों का तरफ में पहुंचा पाया है थ्रू मन की बात। आज हम उम्मीद करेंगे कि 100 एपिसोड में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे कई सारे एग्जांपल्स देंगे ताकि हम देशवासियों उस एग्जांपल्स को लेते हुए अपने अपने लाइफ में प्रैक्टिकली हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हम लोगों का अपना समाज एक अच्छा समाज हो, अपना राज्य एक अच्छा राज्य हो और फाइनली अपना जो देश जो है एक विकसित देश के ओर में हम लोग उभर के हम लोग जा पाएंगे। सो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में एक बार फिर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने अरुणाचल प्रदेश की जनता की ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि मन की बात के ज़रिए से हम सबको काफ़ी मोटिवेट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल।